तीन ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी जो टेस्ट कप्तान के रूप में रोहित शर्मा की ले सकते हैं जगह आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया खिलाफ भारत की अपमानजनक हार के मद्देनजर रोहित शर्मा को भारत के टेस्ट कप्तान के पद से हटाने की व्यापक मांग हो रही है। विराट कोहली द्वारा असाधारण अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद टेस्ट कप्तान के रूप में पद छोड़ने का फैसला करने के बाद 2022 में सलामी बल्लेबाज को कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था। भारत के T20 और वनडे कप्तान के पद से हटाए जाने के कारण विराट कोहली को आश्चर्यजनक फैसला लेना पड़ा था। रोहित शर्मा ने भारत को WTA फाइनल में पहुंचाने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन टीम को जीत दिलाने में पूरी तरह से असफल रहे। भारत बल्ले और गेंद दोनों में फ्लॉप रहा और ऑस्ट्रेलिया ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम को 209 रन से हराकर अपना पहला WTA खिताब जीत लिया। इस हार से ICC किताब के लिए भारत के लंबे इंतजार को और भी बढ़ा दिया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा वाक्य डिटेल के साथ इस छोटी सी वीडियो में, लेट्स गो। हताश प्रशंसकों और कई विशेषज्ञों ने नए WTC चक्र से पहले एक नए कप्तान की मांग की है। कुछ प्रशंसकों ने कोहली को टेस्ट कप्तान के रूप में बनाए रखने की मांग की है। हालांकि कोहली के दोबारा टेस्ट टीम की कप्तान संभालने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। आइए भारत के नए टेस्ट कप्तान के लिए तीन संभावित विकल्प पर एक नजर डालते हैं। अगर रोहित को अंततः उनकी भूमिका से बर्खास्त कर दिया जाता तो उस स्थिति में ऐसे तीन प्लेयर हैं दोस्तों जिनको भारत की टेस्ट कप्तानी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं ऐसे कौन कौन से तीन प्लेयर हैं। इसके पहले जो भी मेरे भाई बंधु नए हैं इस चैनल में और गलती से सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो देर किस बात की दोस्तों, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों हम बढ़े चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तीन खिलाड़ी जो रोहित शर्मा की जगह ले सकते हैं टेस्ट कप्तान के रूप में, तो हमारे इस लिस्ट के नंबर तीन पे हैं श्रेयस अय्यर। हालांकि श्रेयस अय्यर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी टीम का नेतृत्व नहीं किया है, लेकिन कप्तानी करना उनके लिए नया नहीं है। उन्हें घरेलू सर्किट के साथ साथ इंडियन प्रीमियर लीग में भी नेतृत्व की भूमिका दी गई है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 2021 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया और चोट के कारण बाहर होने से पहले जल्द ही टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। ठीक होते ही वह संभवतः टेस्ट टीम में वापसी करेंगे। अय्यर ने रेड बॉल क्रिकेट में एक बल्लेबाज के रूप में खुद को साबित किया है और मध्य क्रम के बल्लेबाजी के रूप में लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की सेवा करने की संभावना है। अय्यर टीम इंडिया के लिए कप्तानी के एक साहसिक विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने न केवल एक कप्तान के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया है बल्कि जब भी मौका मिला है उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व भी किया है। जब उन्हें 2018-19 देवधर ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया बी टीम की कप्तानी दी गई थी तो उन्होंने प्रतियोगिता को अग्रणी रन स्कोरर के रूप में समाप्त किया था। उसी वर्ष उन्हें केवल 30 साल की उम्र में IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स की टीम की कप्तानी भी दी गई। अपनी कप्तानी की शुरुआत में उन्होंने 2019 में प्लेऑफ में ले जाने से पहले नाबाद 93 रन बनाए और पहली बार 2020 में IPL फाइनल भी खेला। 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें साइन किया और उन्हें अपना नया कप्तान बनाया था, पर चोट की वजह से 2023 IPL वह नहीं खेल पाए थे। हमारे इस लिस्ट के नंबर दो पे है ऋषभ पंत। भारत के नए टेस्ट कप्तान के लिए ऋषभ पंत एक और अच्छा विकल्प हो सकते हैं। महज 25 साल की उम्र में वह टेस्ट टीम का अहम हिस्सा बन चुके हैं। इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतकों ने उन्हें वर्तमान समय में यकीनन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज बना दिया है। भविष्य पर नजर रखते हुए वह भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में रोहित की जगह लेने के लिए सही व्यक्ति हो सकते हैं। पंत कप्तानी में भी नए नहीं है और वह पहले से ही टीम इंडिया के नेतृत्व समूह का हिस्सा हो चुके हैं। जून 2022 में KL राहुल के चोटिल होने के कारण उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए भारत का कप्तान बनाया गया था। 2017 में उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली के कप्तान के रूप में गौतम गंभीर की जगह ली थी जब वह सिर्फ 20 साल के थे, और 2021 में अय्यर की चोटिल होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने कप्तानी की थी। 2022 में दिल्ली ने अय्यर को रिलीज करते हुए पंत को अपना नया कप्तान बना दिया। पंत पहले से ही एक स्थापित टेस्ट टीम के सदस्य है और वह रोहित की जगह लेने के लिए सही व्यक्ति हो सकते हैं। और हमारे इस लिस्ट के नंबर वन पे हैं रविचंद्रन अश्विन। दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भले ही WTC फाइनल के लिए भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनने में असफल रहे हो, लेकिन क्रिकेट के मैदान पर उनकी कुशलता पर किसी को भी उन पर संदेह नहीं है। भारत के लिए सबसे बेहतरीन स्पिनरों में से एक अश्विन हाल के वर्षों में टेस्ट में टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए हैं। यहां तक कि विराट कोहली भी टेस्ट में अश्विन जितना प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। अश्विन लंबी अवधि के लिए कप्तानी के विकल्प बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वह कम समय के लिए अगले 2 वर्षों के लिए एक आदर्श व्यक्ति हो सकते हैं। उनका अनुभव खेल के लिए सबसे विस्तारित प्रारूप में भारत की मदद करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इतना ही नहीं, अश्विन की नियुक्ति से भारतीय टीम प्रबंधन को अगले टेस्ट कप्तान को तैयार करने के लिए भी कुछ जरूरी समय मिल सकता है। 2007 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब अनुभवी स्पिनर अनिल कुंबले को 37 साल की उम्र में राहुल द्रविड़ की जगह टेस्ट कप्तान बनाया गया था। हालांकि उन्होंने लंबे समय तक भारत का नेतृत्व नहीं किया, लेकिन इससे टीम प्रबंधन को MS धोनी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करने के लिए काफी समय मिल गया था। तो ये थे तीन बेहतरीन खिलाड़ी दोस्तों जो टीम इंडिया के टेस्ट क्रिकेट में नए कप्तान बन सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों,
भारत के लिए टेस्ट कप्तानी रोहित शर्मा की जगह कौन कर सकता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवे। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हम लौटेंगे अपनी नई वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट सूचना में। जय हिंद।